ऑडियोज को इन्होंने FIA ने जिसका पहले कभी किसी भी कार्रवाई में किसी भी डेट पर जिक्र नहीं किया, ना ही वो उस FIR का हिस्सा है, FIR जारी रसीद के बारे में है। और उषा बीबी की वो ऑडियोज जो एक मैं इसको कहूँगी फार फेस्ट किस्म का एक फैक्ट है जिसको ये लेकर आए हैं, और अभी भी प्रोसिक्यूटर साहब ने ये कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम FIA से कोऑर्डिनेट कर लें कि हम इसकी फोरेंसिक कराना चाहते हैं, और अगर फोरेंसिक हो जाएगी तो जनाब आपके भी हक में बेहतर है, हमारे भी हक में बेहतर है, अगर झूठी साबित होगी तो आप। लेकिन हकीकत बात यह कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिलिंग टैक्टिक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग परेशान करने के लिए। इसके सिर्फ दो तनाजुर हो सकते हैं मेरे नज़दीक, वो ये कि एक तो प्रोसिक्यूशन अपने माइंड में क्लियर ही नहीं है, उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। उनसे पूछते हैं कि आज की कार्रवाई क्या रही, और आज फिर एक जानब मैं जब अदालत में कहके लग गए कि जो प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये वैध केस है जिसको मैं बड़ी ईमानदारी से करना चाहता हूँ, आपने खुद ही पहले बता दिया कि सबसे ज्यादा अम्यूजिंग मोमेंट जो आज का था वो ये था कि प्रोसिक्यूटर ने आज एडमिट किया, बल्कि मैं ये कहूंगी कि प्रोसिक्यूशन ने ये एडमिट किया है कि ये वो वाहिद केस है जिसके अंदर हम ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लीज हमें करने दें, जिसपे अदालत में एक एहकाम गूंजा। तो जैसे वो ये वो तीर था जो उनके कमान से निकल गया, उन्होंने सच बोल दिया, तो जाहिर ही सी बात है कि इसको पूरी कौम के लिए जब सच सामने आता है तो इन्जॉय तो किया जाता है। कार्रवाई के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, कार्रवाई है कि आज लास्ट डेट के ऊपर हमारी उससे भी लास्ट डेट पर शामिल तफ्तीश हुए थे, लास्ट डेट के ऊपर हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, इस डेट पर प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यूमेंट्स करने थे और बेल ने डिसाइड होना था। लेकिन एक बार फिर प्रोसिक्यूशन ने यह कहा कि हमें FIA की वो ऑडियोज जो इन्होंने तफ्तीश के दौरान बीबी को दिखाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए कि क्या ये ऑडियोज आपकी हैं या नहीं, और बीबी ने कैटेगोरिकली उनको सुनकर उनके बारे में ये कहा था कि ये तमाम की तमाम इंजीनियर इनको सबको बनाए गए फोर्ज हैं, ये बिल्कुल भी इनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन ऑडियोज को इन्होंने FIA ने जिसका पहले कभी किसी भी कार्रवाई में किसी भी डेट पर जिक्र नहीं किया, ना ही वो उस FIR का हिस्सा है, FIR जारी रसीद के बारे में है। और उषा बीबी की वो ऑडियोज जो एक मैं इसको कहूँगी फार फेस्ट किस्म का एक फैक्ट है जिसको ये लेकर आए हैं, और अभी भी प्रोसिक्यूटर साहब ने ये कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम FIA से कोऑर्डिनेट कर लें कि हम इसकी फोरेंसिक कराना चाहते हैं, और अगर फोरेंसिक हो जाएगी तो जनाब आपके भी हक में बेहतर है, हमारे भी हक में बेहतर है, अगर झूठी साबित होगी तो आप। लेकिन हकीकत बात यह कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिलिंग टैक्टिक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग परेशान करने के लिए। इसके सिर्फ दो तनाजुर हो सकते हैं मेरे नज़दीक, वो ये कि एक तो प्रोसिक्यूशन अपने माइंड में क्लियर ही नहीं है, उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि केस में कुछ भी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब जब से अरेस्ट हैं, उषा बीबी की क्या एक्टिविटी है, मॉरल कैसा है, परेशान है, किस हद तक परेशान है, अपने फामिद की जो अटक जेल में बंद किया हुआ उनकी तबीयत के हवाले से कितनी परेशान है, और क्या क्या सोचती हैं, क्योंकि आप तो उषा बीबी के असिस्टेंट्स के तौर पर वहाँ पर आपके लायर भी हैं उषा बीबी की, तो क्या उषा बीबी का मॉरल कैसा है, खान साहब के बारे में क्या सोच रखती हैं? देखिए, उषा बीबी का मॉरल एज हाई एज खान साहब से मॉरल, उषा बीबी का मॉरल बिल्कुल वैसे ही हाई है, और इमरान खान साहब से मिलने के बाद या उनके अरेस्ट के बाद उषा बीबी किसी आम ऑर्डिनरी लेमैन की बीवी नहीं है, वो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, और इमरान खान साहब जिस मॉरल के इंसान हैं वो हमारे पूरी कौम की पूरी दुनिया जानती है। और इमरान खान साहब से भी अगर आपने रीसेंट मुलाकात, यकीनन पूरी कौम ने सुना उनकी मुलाकात का अहवाल, खान साहब सब बहुत ज़्यादा अच्छे, प्रेजेंटेबल, खूबसूरत, ज़्यादा हसीन हो गए हैं अपने अपने जेल में रहकर। अच्छा, ये बात आपको उषा बीबी ने बताई है कि वो पहले से ज़्यादा प्यारे हो गए? ये मुझे उन्होंने नहीं बताई है, मुझ तक पहुँची है, किसी और शोर से पहुँची है, लेकिन बहरहाल पहुँची है। और उषा बीबी की उनसे मुलाकात उन दोनों के लिए मोराल हाई करने का सबब है। आज भी जब हमने देखा कि पुलिस की नफरी जो है वो मामूल से ज़्यादा थी, और लेडी पुलिस जो यहाँ पे उनकी नफरी थी वो तो पहले कभी पिछले दो तारीखों पर तो वो मौजूद ही नहीं थे, तो हमें इस चीज़ की अप्रिहेंशन थी कि आज शायद इनकी वही कार्रवाई रिपीट करने का इरादा है, वही एपिसोड जिस इमरान खान साहब की दफा ये किया करते थे। ये सबका जज हमायूं दिलावर का भी कमरा अदालत के साथ बिल्कुल साथ साथ, ताराबाद सिपरा भी साथ साथ है, हिस्टोरिकल खबर है जी। वो इस जो स्क्रिप्ट है वो रिवाइज किया जा रहा है? बस ये स्क्रिप्ट तो हमारे यहाँ हिस्टोरिकली रिवाइज होता है हर 100 साल बाद, 70 साल बाद, हर 10 साल बाद, और फिर हर 10 दिन बाद। तो बहरहाल मुराल बहुत हाई है, और अभी वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग के इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेट पर, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि प्रोसिक्यूशन FIA का करवा पाएगी फोरेंसिक,
लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर वैसे एक एडिशनल बताती चलूँ कि ये जो फोरेंसिक कराने जा रहे हैं इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, ये जाली रसीद का केस है। जी आखिरी सवाल बताइएगा कि बुशरा बीबी के जिस तरह के जमानतें उनकी कैंसिल हुई है और उनको गिरफ्तारी का भी डर है, तो क्या बुशरा बीबी माइटरी तौर पे अरेस्ट के लिए, गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, या उनके ऊपर भी खौफ है कि मैं अगर अरेस्ट हो गई तो मेरे साथ क्या होगा, कुछ जिस तरह आजकल लेडीज के साथ किया जा रहा है, मीडिया की खवातीन के साथ जिस तरह जेलों और थानों में किया जा रहा है, इस तरह का खौफ भी है? बुशरा बीबी में कोई खौफ नहीं है आज भी, बल्कि मैंने आपको बताया कि जब नफरी ज्यादा थी और हमने उनका मुतला किया कि आज कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट डिफरेंट है, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। वो इमरान खान की एहलिया हैं और उनको आप उसी मोराल पे जज करें जिस मोराल पे इमरान खान सबको जज करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।